स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इस यूनिट का मार्कोव डिसीजन प्रोसेस। बट मार्कोव डिसीजन प्रोसेस जो है वो एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग को पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको रीइंफोर्समेंट लर्निंग बता चुकी हूँ, बट उसको हम फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं इन शॉर्ट कि होता क्या है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मार्कोव डिसीजन प्रोसेस कैसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में मैंने आपको बताया था कि इन्वॉल्वमेंट होता है और एजेंट होता है, और एजेंट जो है इन्वॉल्वमेंट में किसी गिवन स्टेट पे होता है और एक्शन परफॉर्म करता है, और उस एक्शन के करस्पॉन्डिंग इन्वॉल्वमेंट उसे एक रिवार्ड प्रोवाइड करता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और जो एजेंट है वो नेक्स्ट स्टेट में चला जाता है। जैसे आप पैकमैन खेल रहे हो, तो पैकमैन क्या है? एक एजेंट है जो किस में वर्क कर रहा है, ग्रिड एनवायरनमेंट में। ब्लॉक्स बने हुए होते हैं तो वो ग्रिड एनवायरनमेंट होता है। तो पैकमैन का काम क्या होता है कि जो फूड है उसको उसे ईट करते जाना है। जैसे जैसे वो ईट करता जाता है आपको पॉइंट्स मिलते जाते हैं, और जैसे ही वो किसी एनिमी से टच हो जाता है तो गेम आउट हो जाता है। तो इसका रिवॉर्ड क्या है कि अगर वो फूड को खाता है तो उसे पॉइंट्स मिल रहे हैं, और अगर वो किसी एनिमी से टच हो जाता है तो वो तो गेम आउट हो जाता है। अब पैकमैन अगर स्टेट ये है और उसने फूड को खाया, वो इधर आ गया मूव होके, फिर मूव होके इधर आ गया, फिर मूव होके इधर आ गया, तो ये सारी क्या है इसकी स्टेट्स है। प्रेजेंट स्टेट ये थी, फिर उसने जैसे ही अप डायरेक्शन में मूव किया तो अप डायरेक्शन क्या हो गया, उसका एक्शन हो गया। जब उसने अप डायरेक्शन में मूव किया तो वो इस स्टेट पर आ गया, फिर उसने अगेन अप एक्शन परफॉर्म किया तो वो इस स्टेट में आ गया, फिर उसने राइट मूव किया, राइट मूव एक्शन परफॉर्म किया तो वो इस स्टेट पे आ गया। तो जो एजेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स पे आता है एक्शन परफॉर्म करने के बाद। ग्रिड जो है ये क्या है, इसका एनवायरनमेंट है, ठीक है। अब पैकमैन इस स्टेट पे, इस ग्रिड पोर्शन में है, इसने अप एक्शन परफॉर्म किया, ठीक है। सपोज ये स्टेट S1 है, इसने अप एक्शन परफॉर्म किया तो कहाँ पर आ गया, S2 स्टेट पे, और इसको अगर इसने फूड को ईट किया है तो इसे +1 पॉइंट मिल गया। कि करेंट स्टेट क्या है, S2, और यहाँ से वो कौन कौन से एक्शन परफॉर्म कर सकता है, वो मूव लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, अप हो सकता है, ठीक है। इसमें से कोई एक एक्शन परफॉर्म करेगा और वो किसी न्यू स्टेट पर चला जाएगा। और एक्शन लेने पर अगर सपोज यहाँ पर एनिमी होता है तो ये गेम एंड हो जाएगा, और अगर उसने सपोज राइट डायरेक्शन में मूव किया तो इसे अगेन फूड मिल गया और उसे +1 पॉइंट मिल गई। तो इस टाइप से जो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का गेम्स में यूज़ होता है, जहाँ पर एक एजेंट होता है जो कि इन्वायरमेंट की किसी गिवन स्टेट पे होता है, उसके पास जो भी गेम का आपको बैकग्राउंड दिख रहा होता है वो उसका इन्वायरमेंट होता है जिसमें वो किसी गिवन स्टेट पे होता है, और एक एक्शन परफॉर्म करने के बाद वो एक इन्वायरमेंट उसे एक नई स्टेट पे लेके आता है और उसके करस्पॉन्डिंग उसको कुछ रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करता है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज़ एन एरिया ऑफ मशीन लर्निंग इन विच कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर एजेंट लर्न्स टू परफॉर्म ए टास्क थ्रू रिपीटेड ट्रायल एंड एरर इंटरेक्शन विद ए डायनेमिक इन्वायरमेंट। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है, एक टाइप की मशीन लर्निंग ही है जिसमें कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर एजेंट होता है, अपनी लर्निंग के लिए डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है, ट्रायल एंड एरर एक्शंस परफॉर्म करके गिवन डायनामिक एनवायरनमेंट में। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या करना होता है, एजेंट को किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोई डेटा सेट गिवन नहीं होता है, उसे इंटरेक्शन करना होता है एनवायरनमेंट से, डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करने होते हैं ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे। जैसे उसने एक एक्शन लिया तो उसे हो सकता है रिवॉर्ड मिले, और अगर उसने कोई एक एक्स्ट्रा एक्शन लिया जिसमें उसको पेनल्टी मिले तो उसे नहीं पता है कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करने से कौन सा रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो ट्रायल एंड एरर यूज़ करके डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स पे जाता है और लर्निंग करता है किस स्टेट पे जाने से उसे कौन ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है। तो मेन एम हमारा क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड एजेंट जो है वो गेन करे गेम में। एजेंट इज़ अवॉर्डेड और पेनलाइज्ड विथ ए पॉइंट फॉर ए करेक्ट और रॉन्ग आंसर। यहाँ पर इन्वायरमेंट जो है एजेंट को या तो अवार्ड देगा यानी कि प्लस पॉइंट्स देगा, या फिर पेनलाइज करेगा, नेगेटिव पॉइंट्स देगा, या फिर गेम को एंड कर देगा। अगर एजेंट जो है वो करेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है तो उसे अवार्ड मिलेगा, और अगर वो रॉन्ग एक्शन परफॉर्म करता है
तो उसे पेनलाइज किया जाएगा, या तो वो गेम एंड हो जाएगी या तो जो टोटल रिवॉर्ड है उसमें से कुछ पॉइंट्स माइनस हो जाएंगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव रिवॉर्ड पॉइंट्स गेन द मॉडल ट्रेन इट्सेल्फ, तो जितने भी उसे पॉजिटिव रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं उसके बेसिस पे एजेंट जो है खुद को ट्रेन करेगा। तो जो एजेंट है वो किसी गिवन स्टेट में होगा, जैसे वो सपोज S1 स्टेट में, S1 स्टेट में वो A1 एक्शन परफॉर्म कर सकता है और A2 एक्शन परफॉर्म कर सकता है, तो इनमें से भी कोई वो एक ही एक्शन परफॉर्म करेगा और किसी नई स्टेट में चला जाएगा। जैसे S3 में चला गया, S1 पे हमने A1 एक्शन परफॉर्म करेंगे तो हम S3 स्टेट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो एजेंट जो है किसी गिवन स्टेट पे होता है, वहाँ पर कोई एक एक्शन परफॉर्म करता है जो कि बिलोंग करता है नंबर ऑफ पॉसिबल एक्शन से, ठीक है। जैसे एक्शंस जो हैं यहाँ पर एक कैपिटल A क्या है, A1 और A2, तो A1 और A2 में से ही कोई वो एक एक्शन परफॉर्म करेगा इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट क्या करेगा उसको एक रिवॉर्ड देगा उसके एक्शन के बेसिस पे, और जो इन्वायरमेंट जो है एजेंट को एक नई स्टेट ट्रिप पे ले आएगा S- पे। जैसे हमने देखा S1 पे उसने A1 एक्शन परफॉर्म किया तो वो S3 स्टेट पे रीच हो गया, तो इनिशियल स्टेट S क्या थी, S1, उसने एक्शन परफॉर्म किया A1, और न्यू स्टेट S- कहाँ पर वो पहुँच गया, S3 पे। और ये न्यू स्टेट भी किससे बिलोंग कर रही होगी, गिवन सेट ऑफ स्टेट से। द एजेंट इज एक्टिंग इन एन एनवायरमेंट, तो एजेंट जो है एनवायरमेंट में एक्ट करता है, डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करता है। द एजेंट कैन स्टे इन वन ऑफ मैनी स्टेट्स, दैट मीन्स s बिलोंग्स टू कैपिटल S ऑफ द एनवायरमेंट। जो एजेंट है वो किसी एक ही स्टेट पे रहेगा आउट ऑफ मैनी स्टेट्स, यानी स्टेट्स तो बहुत सारी होंगी, जैसे मैंने बताया S1 से S10 स्टेट्स हैं गिवन एनवायरमेंट में, तो जो एजेंट होगा वो किसी एक ही स्टेट पे एट अ टाइम रहेगा। एंड चूज टू टेक वन ऑफ मैनी एक्शंस, स्मॉल A बिलोंग्स टू कैपिटल A, टू स्विच फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो अगर उसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव करना है तो उसे एक्शन परफॉर्म करना होगा, और वो जो एक्शन परफॉर्म करेगा वो किस में से सिलेक्ट करेगा, सेट ऑफ पॉसिबल एक्शंस। जैसे हमने देखा कि सेट ऑफ पॉसिबल एक्शंस जो एजेंट परफॉर्म कर सकता है वो A1 और A2 है स्टेट S1 पर, तो जो एक्शन परफॉर्म करेगा वो किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल A, जिससे वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव हो पाएगा। विच स्टेट द एजेंट विल अराइव इज डिसाइडेड बाय ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बिटवीन स्टेट्स डिनोटेड बाय कैपिटल P। तो सपोज S1 स्टेट पे एजेंट है और वो एक्शन A1 अगर परफॉर्म करता है तो वो S2 पे जा रहा है, और सपोज A2 परफॉर्म कर रहा है तो S3 पे रीच हो रहा है। तो S1 से दो एक्शंस हैं जो परफॉर्म कर सकता है, लेकिन एक्शन परफॉर्म करेगा ये किस पे डिपेंड करता है, प्रोबेबिलिटी पर, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बिटवीन स्टेट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सपोज S1 से S2 जाने की ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.8, और S1 से S3 जाने की प्रोबेबिलिटी, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है 0.2। तो अगर S1 से S2 जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो एजेंट जो है इस वाले एक्शन को परफॉर्म करेगा, A1 एक्शन को परफॉर्म करेगा, ना कि A2 को। तो एजेंट कैसे डिसाइड करेगा कि वो किस स्टेट पे जाएगा, वो डिपेंड करेगा इन दोनों स्टेट्स के बीच की ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पे। जहाँ पर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी एजेंट जो है उसी स्टेट पे जाना चाहेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एक्शन परफॉर्म उसे करना होगा वो करेगा और उस गिवन स्टेट पे चला जाएगा। इस केस में जैसे S1 जो है A1 एक्शन परफॉर्म करेगा क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है S2 पे जाने की, तो स्टेट्स के बीच में एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी भी गिवन होगी जिसके बेसिस पे एजेंट डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है नेक्स्ट स्टेट पे जाने के लिए। वंस एन एक्शन इज टेकन द एनवायरमेंट डिलीवर्स ए रिवॉर्ड स्मॉल r बिलोंग्स टू कैपिटल R। जैसे एजेंट ने एक्शन परफॉर्म किया किसी गिवन स्टेट पे, वैसे ही एजेंट एनवायरमेंट क्या करता है, एजेंट को एक रिवॉर्ड देता है स्मॉल r विच बिलोंग्स टू कैपिटल R। यहाँ पर सेट ऑफ रिवॉर्ड्स गिवन होंगे, इस गेम में कितने रिवॉर्ड्स हो सकते हैं वो भी गिवन होंगे, जो एक्शन परफॉर्म किया है एजेंट ने उसके अकॉर्डिंग उसे रिवॉर्ड मिल जाएगा। से S1 स्टेट पे एजेंट अगर A1 एक्शन परफॉर्म करता है तो उसको रिवॉर्ड +1 मिलना था, अगर वो S1 पे A2 एक्शन परफॉर्म करता
उसे रिवॉर्ड मिलना था माइनस वन। किस स्टेट पे वो कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है बेसिस पे उसे डिफरेंट रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट इंटरेक्ट्स विद द एनवायरनमेंट ट्राइंग टू टेक स्मार्ट एक्शंस टू मैक्सिमाइज क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड्स। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, एजेंट जो है वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और ट्राई करता है कि वो इस टाइप के एक्शंस बेस्ट एक्शंस परफॉर्म करे जिससे उसका जो क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड हो यानी टोटल रिवॉर्ड जो वो मैक्सिमाइज हो जाए। गोल ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है, फाइंड ए ऑप्टिमल पॉलिसी दैट मैक्सिमाइज टोटल क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड्स ऑफ द एजेंट। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का गोल क्या होना चाहिए कि हमें इस टाइप की पॉलिसी या एजेंट को इस टाइप की पॉलिसी को फाइंड आउट करना पड़ेगा जिससे जो टोटल क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड्स हैं वो मैक्सिमम हो जाए। तो हमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एक ऑप्टिमल पॉलिसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि ऑप्टिमल पॉलिसी मतलब किस स्टेट पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करते जाएं हम जिससे हमें जो रिवॉर्ड मिले वो मैक्सिमम मिले। तो मेन गोल रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यही होता है कि बेस्ट ऑप्टिमल पॉलिसी को फॉलो किया जाए जिससे जो एजेंट का टोटल क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड है वो इंक्रीज हो जाए। The interaction between the agent and the environment involves a sequence of actions and observed rewards in time t equals to 1, 2 up to capital T. During the process, the agent accumulates the knowledge about the environment, learns the optimal policy and makes decision on which action to take next so as to efficiently learn the best policy. So, agent jo hai wo environment ke saath interaction karta hai aur sequence of actions perform karta hai aur उसे उन सीक्वेंस ऑफ एक्शंस के करस्पॉन्डिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं डिफरेंट टाइम यूनिट्स। तो एजेंट जब डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है तो उस नॉलेज गेन होता है एनवायरनमेंट का कि कौन सी स्टेट पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करने पे उसे ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। तो वो ऑप्टिमल पॉलिसी को लर्न करता है कि कौन सी स्टेट पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना चाहिए जिससे जो रिवॉर्ड मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। तो उस बेसिस पे वो डिसीजंस लेता है कि नेक्स्ट कौन सी स्टेट पे मुझे मूव करना चाहिए जिससे मुझे मैक्सिमम रिवॉर्ड्स मिले। तो इस टाइप से वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर बेस्ट पॉलिसी को फाइंड आउट करता है जिससे जो टोटल क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड है वो इंक्रीज हो जाए।